हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड नो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही टेस्टी केक। ये चॉकलेटी केक है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने से पहले हम उसका बेस बनाएंगे, तो सब उसके लिए हम ले रहे हैं 1/4 कप दही। इसे अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है हमको। 1/4 कप हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इसे भी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हमने। अब आधा कप पिसी हुई चीनी ले ली हमने, इसे भी अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया हमने। अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप मिल्क पाउडर। इससे केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ कर देंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा। कोको पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हम इसमें चॉकलेट पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो 2 टेबल स्पून कोको पाउडर से भी बना सकते हैं, या फिर आप केवल चॉकलेट पाउडर से भी बना सकते हैं। दोनों चीज़ें डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ये मैंने कोको पाउडर लिया है और चॉकलेट पाउडर जो मैंने अभी आपको दिखाया। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून हमने वनीला एसेंस डाल दिया है। ये देखिए, अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। दोनों को भी मिक्स कर देंगे। अब इसको हम स्मूथ बनाने के लिए इसमें लेंगे 1/2 कप मिल्क। 1/2 कप मिल्क ही इसमें लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए, इसका बैटर का स्मूथनेस आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला बैटर ना बनाएं, उससे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और फिर जब केक को डेकोरेट करते हैं तो वो टूट जाता है। बैटर हमारा तैयार हो गया है, तो केक टिन में ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। अब केक बैटर को डाल लेते हैं केक टिन में। इसकी स्मूथनेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। और केक टिन हमें आधा ही भरना है, तो ये देखिए, अच्छी तरह से इसे टैप कर लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा फूलेगा, इसलिए आप हाफ ही भरें। केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में प्लेट रख ली है। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे इसे। कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है। केक टिन को रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए, तो आप 20 मिनट में एक बार चेक कर सकते हैं। केक हमारा बहुत ही अच्छी तरह से बन चुका है। ये देखिए, पूरे 25 मिनट लगे हैं इसे। आप 20 मिनट में एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बर्तन का अलग अलग टेम्परेचर होता है। आप इसे कढ़ाई में, कुकर में, सभी में बेक कर सकते हैं। तो टूथपिक हमारी एकदम क्लीन निकल आई है, हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। केक को हमने 20 मिनट ठंडा कर लिया है। पूरा ठंडा ना होने दें, नहीं तो फिर ये केक नहीं निकलेगा। तो आप जब थोड़ा गुनगुना सा रहे, हल्का सा गर्म रहे, तभी निकाल लें। तो ये देखिए, बहुत ही स्पंजी हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। केक हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो मैं इसे 2 भाग में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहें तो 3 भाग में भी इसे कट कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा केक बहुत ही स्मूथली कट हो गया है और बहुत ही स्पंजी जालीदार बना है। आप इसकी जालियाँ देख सकते हैं। केक की क्रीम बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पर 1 कप बिल्कुल चिल्ड क्रीम, व्हिप क्रीम है ये। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/3 कप हमने पिसी हुई चीनी ली है। अब इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल डबल होने तक इसे बहुत ही अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे, तो हमारी व्हिप क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। क्रीम हमें बिल्कुल चिल्ड ही लेनी है। ये देखिए, हमारी क्रीम बिल्कुल साइज़ में डबल हो गई है। परफेक्ट क्रीम बनकर तैयार है हमारी। तो आप चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं कोई भी केक बनाने के लिए। अब ले लिया है हमने यहाँ पर चॉकलेट सिरप और इसमें हमने डाल दिया है पानी। इससे ही हम शुगर सिरप तैयार कर लेंगे, चॉकलेटी वाला। तो ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ कर लिया हमने पानी डालकर इसको। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, इसमें हम लगा लेंगे व्हिप क्रीम। अब केक बेस को रख लेंगे अच्छी तरह से और जो हमने चॉकलेट सिरप बनाया है पानी डालकर, इसको इसमें डाल देंगे। इससे इसमें स्मूथनेस रहेगी। अगर आप डायरेक्ट चॉकलेट सिरप डाल देंगे तो ये जो स्पंज है इसमें स्मूथनेस नहीं रहेगी, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके ही डालें। आप चाहें तो यहाँ पर प्लेन शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से भर देना है हमें, जिससे कि बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। चॉकलेट सिरप हमने बहुत ही अच्छी तरह से लगा दिया है। अब हम इसमें व्हिप क्रीम लगा देते हैं।
तो ये देखिए बहुत इजीली है घर में ही बनाना, बिल्कुल मार्केट जैसा चॉकलेटी केक। आप चाहें तो ये विप क्रीम हमने वाइट रखी है, आप इसमें चॉकलेट सिरप डालकर या चॉकलेट गनाश डालकर इसे चॉकलेटी फ्लेवर से भी बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से फिल कर देंगे और दूसरा लेयर भी हम इसके ऊपर रख देंगे। और इसके ऊपर भी हम विप क्रीम लगा लेते हैं और इसको बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। क्रीम को बहुत ही अच्छी तरह से हमें लगा देना है सभी तरफ से और विप क्रीम को ठंडा ही रखना है। अगर आपकी विप क्रीम अच्छे से नहीं सेट हो रही है तो आप उसमें फ्रिज में रख दीजिए, तो वो कम्प्लीटली ठंडी हो जाएगी और अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो अच्छी तरह से सभी तरफ हम लगा देंगे। तो क्रीम को हमने बहुत ही अच्छी तरह से लगा दिया, अब इसे स्मूथ कर लेते हैं। केक को हमने काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूथ कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल सी पॉलीथीन में पाइपिंग बैग में नोज़ल लगा दिया, स्टार नोज़ल, और विप क्रीम हमने जो बनाई थी वही इसके अंदर हमने भर ली है। और इस तरह से हम इसमें फ्लावर बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ये केक डेकोरेट हो रहा है। यदि आप पहली बार बना रहे हैं तो आप इसको बहुत ही इजीली बना लेंगे। तो हमने सभी तरफ चारों तरफ कर लिया है। अब ऊपर भी हम इसी तरह से थोड़ी छोटे छोटे अलग डिज़ाइन के स्टार बना लेंगे। ये देखें तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और अभी तो ये वाइट है तो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, आप इसमें अपने हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं। आप कलर कॉम्बिनेशन से भी विप क्रीम इसमें आप दे सकते हैं। तो अच्छी तरह से आप ये देखिए हमने स्टार बना दिए हैं। अब हम लगा लेंगे इसके ऊपर चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट को चाकू से कट कर लिया है। आप डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर ओरियो बिस्किट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है ये। इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी लगेगा और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा, बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलता है। सभी तरफ हम इसी तरह से लगा देंगे। अब बीच में हम लगा देंगे चॉकलेट की क्रस्ट, इसे भी हमने चाकू से अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। आप ग्रेटर से भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने स्प्रेड कर दिया है चॉकलेट। तो केक को और भी सुंदर बनाने के लिए हम लगा लेते हैं यहाँ पर चेरी, इससे बिल्कुल लुक चेंज हो जाएगा हमारे केक का। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको डेकोरेट कर लिया है, देखने में बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर तैयार हो गया है हमारा केक। अब हम इसमें गोल्डन बॉल्स, सिल्वर बॉल्स लगा देंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है ये, जितना आपके पास सामान हो आप उस हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर से हम इसमें स्प्रिंकल कर लेते हैं हमारी सिल्वर बॉल्स, इससे देखिए केक बहुत ही हमारा अच्छा दिखने लगा है। तो कम्प्लीटली हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने स्प्रिंकल कर लिया है इसके ऊपर। अब यहाँ पर हमने चेरी को चॉप कर लिया है और इन्हें साइड में इस तरह से लगा देंगे छोटा छोटा कट करके, इससे बहुत ही अच्छा इसमें लुक लगेगा केक में हमारे। तो जितने फ्लावर बने हैं उन सभी में हम चेरी लगा देंगे। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी चॉकलेटी केक। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले।